Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. Hello guys, welcome in Marula Classes. तो आज हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, या बोल सकते हैं हम लोग कि अपने थर्ड मूल मंत्र की, जो हम लोगों ने कल बात की थी कि पहले हमने फर्स्ट और सेकंड मूल मंत्र की बात की थी, आज तीसरे मूल मंत्र की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में तीसरा मूल मंत्र क्या कहता है। तो तीसरा मूल मंत्र जो है वो इसको लेकर है कि देखिए, अब क्या बात हुई कि पहले मूल मंत्र में हम लोगों ने बात कर ली थी कि सेम अल्फ़ाबेट से बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। आप सेकंड मूल मंत्र हमने बात किया कि सेम अल्फाबेट्स हैं बट इन रीअरेंजमेंट लेटर में हैं, तो आप उसको रीअरेंज कर रहे हैं, कैसे भी हो सकता है, वो आपका 1 2 3 3 2 1 हो सकता है, 4 5 6 है तो 6 5 4 में हो सकता है, तो इस तरह से आप हम लोग वहाँ पर रीअरेंज कर रहे थे। बट अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अलग होती चली जाएगी। अब देखिए, तीसरा जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र कहता है कि इंक्रीमेंट, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो इंक्रीमेंट तभी आप पकड़ सकते हैं जब आपको अल्फाबेट्स की कोडिंग से पता हो, तो बहुत जल्दी हम लोग उस क्वेश्चन कर सकते हैं पकड़ने, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जब अगर आपको कोडिंग पता हो। अगर आपको पता है, और कल मैंने आपको बात की थी कि आप याद कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आप लोगों ने याद भी किए हों। चलिए मैं हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो आपके सामने देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ EARTH, ओके, EARTH अर्थ लिखा गया है इज रिटन एज ZVTCG, ओके, जेड देन वी देन टी सी एंड जी, इसमें लिखा गया है, एंड देन हाउ विल ग्लोब बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में, ओके। तो अब देखिए, तो जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो पहला मूल मंत्र पहले आप चेक करें कि देखिए कि आपको सारे वर्ड्स जो हैं, जो आपके सारे अल्फाबेट्स हैं वो नीचे मिल रहे हैं, यानी डिकोडिंग फॉर्म में हैं कि नहीं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ई, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर पहला अल्फाबेट की ई, और आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मुझे कहीं भी ई नहीं दिख रहा है, तो आपके पहला और दूसरा मूल मंत्र दोनों ही रॉन्ग हो गए, मतलब ये दोनों ही नहीं चलेंगे। आप तीसरा मूल मंत्र पे आ जाते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं इंक्रीमेंट तो नहीं कर रहा है, तो इंक्रीमेंट को चेक कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंट को कैसे चेक करेंगे, या तो आप सीधे सीधे कोड रख लीजिए, तो बड़ा आसान होता चला जाएगा। देखिए जैसे ई का कोड अगर आपको पता हो, तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई का कोड 5 A1, आर का 18 होता है, टी का 20 एंड एच का 8, ओके। और इसी तरह आप नीचे रख लीजिए, तो जेड का, अगर जे का कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिख ले रहा हूँ यहाँ पर, जे का कोड 10, वी का कोड 22, टी का कोड 20, सी का कोड 3 एंड जी का कोड 7, ओके। अब मैंने कहा था कि आप कोडिंग डिकोडिंग जब भी करेंगे तो एक सीरीज के एक वे में करेंगे, अगर सीरीज नहीं बन रही होगी तो आपकी कोडिंग नहीं चलेगी। तो आप ध्यान रखिए कोडिंग कैसे करनी है। तो आप पहले, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कोडिंग चेक कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर हमें दिखा कि 10 दिख रहा है, तो यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब प्लस 5 का अगर इंक्रीमेंट हुआ तो आगे भी इसी वे में इंक्रीमेंट होना चाहिए, अगर प्लस 5 है तो प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 लाइक इस प्रकार से, या फिर अगर प्लस 2 का अगर इस तरह से वहाँ पर प्लस, या तो इंक्रीमेंट ही हो रहा होगा। अब देखिए चेक यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी कोडिंग गलत हो जा रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार और देखें, एक काम कर लेते हैं, अब हमने कहा कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार चेक कर लेते हैं, यानी डिसेंडिंग मतलब यहाँ से उठा के चेक कर लीजिए उल्टे से। यहाँ पर देखिए H 8 नंबर है, और यहाँ पर देखिए J कितने नंबर पर है, 10, यहाँ पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। और यहाँ पर देखिए, अब इधर से उठा लीजिए पहले असेंडिंग वाले फर्स्ट लेटर को, और इसके डिसेंडिंग से लास्ट लेटर से मैच कर लीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो देखिए यहाँ दोनों ही में क्या हो रहा है, प्लस 2 का चल रहा है इंक्रीमेंट, तो हो सकता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट चल रहा हो। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए H है और यहाँ पर J, तो आपको यहाँ पर देखा मुझे प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर देखा E और यहाँ पर G, इस तरह से इंक्रीमेंट यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए आप T है 20 पर और V है 22, यहाँ पर देखिए फिर भी यहाँ पर प्लस 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो मेरी यहाँ पर सीरीज अभी तक बन रही है। यहाँ पर देखिए R 18 है और यहाँ पर T 20, अभी भी प्लस 2 हमारी सीरीज चल रही है, और यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ भी पूरे में किसका इंक्रीमेंट है, प्लस 2 का इंक्रीमेंट है, कैसे में क्रॉस कोडिंग हो रही है, ओके। जहाँ पर इसका लास्ट वन है, जो कोडिंग का फास्ट वन लास्ट वाला पार्ट है, उसके यहाँ पर फर्स्ट वन पार्ट को चेंज कर रहा है, ओके। तो अब आप उसी तरह इस वाले को डिकोड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जी का कोड कितना है, 7, एल का कोड कितना होता है, 12, ओ का 15, बी का 2,
ई का 5 कोड इस तरह से रख लिया, और अब मुझे पता है कि सबसे लास्ट वन वाला जो कोड है इसमें प्लस 2 हुआ था उसको फर्स्ट वन में कर देना, यानी ई का कोड यहां पर प्लस 2 कर दीजिए, फिर 5 प्लस 2 7, यानी यहां पर कितना हो जाएगा जी। ओके, और यहां पर देखिए फिर आगे बी है, तो बी का कोड यहां पर 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का कोड यहां पर क्या होता है डी। ओके, यहां पर ओ है, ओ में प्लस 2 करेंगे तो ओ 15 प्लस 2 17, यानी ओ 17 किसके लिए कोड होता है क्यू के लिए कोड होता है। एल है, एल के लिए यहां पर कर दीजिए एल 12 और प्लस 2 करेंगे तो 14, यानी 14 का कोड क्या होता है एन। और देन जी है, और जी के लिए भी कोड यहां पर आप कर दीजिए तो जी 7 प्लस 2 9, और 9 का कोड क्या होता है आई। तो इसको इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं। तो यहां पर जो कोडिंग चलेगा, जो हमने तीसरा मूल मंत्र है वो आपका क्या है इंक्रीमेंट का, तो ध्यान रखिए कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कहां पर इंक्रीमेंट चल रहा है। लेकिन वही ध्यान एक बात रखनी है कि एक सीरीज में होगा एक वे में होगा, कि आप अगर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लाइक इस प्रकार से भी हो सकता है, अगर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो सभी सीरीज में पूरा प्लस 1 चलेगा, अगर प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है तो प्लस 2 का ही चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है कि पहले सीधे डायरेक्ट हो रहा हो, और या फिर हो सकता है किसी तरह क्रॉस वे में हो रहा होगा, ठीक है, यानी आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर को जो है आपको असेंडिंग लाइक इस प्रकार से आपको मैनेज करना है। ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फर्स्ट वन। आप दूसरी बात करते हैं इसी को, तो एक बार और एक क्वेश्चन को इसके साथ हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं इसी मूल मंत्र को। तो एक और क्वेश्चन है, मैं आपको इसके साथ फिर बताता हूं। चलिए एक क्वेश्चन के साथ और हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक और एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए लिखा होगा यहां पर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अरिहंत, ओके, ए आर आई एच ए एन एच ए एन टी अरिहंत लिखा गया है, इज रिटन एज बी T L L F T A, ओके, और पूछा गया है देन हाउ विल ऑनेस्टी H O N E S T Y ऑनेस्टी का कोड क्या होगा। तो आप पहले इस बात को पहले कहा पहले इसको डिकोड करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह से कोडिंग की गई होगी, तो हम पहले उसको डिकोड कर लेते हैं। तो कैसे कोड करेंगे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले जब है आप पहले चेक कर लीजिए कि पहला मूल मंत्र चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है सेम अल्फाबेट्स यहां पर रन कर रहे हो और हम ज्यादा से ज्यादा उसको पहुंच रहे हैं, कहीं इंक्रीमेंट पे पहुंच जा रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, देखिए यहां पर ए था मुझे दिखा, हाँ यहां मुझे ए दिख रहा है, बट आगे देखिए आर, लेकिन मुझे इस पूरी सीरीज में कहीं पर भी इस पूरे सीरीज में यहां पर मुझे कहीं भी आर नहीं दिखा। तो यहां पर इसका मतलब जो है वो सेम अल्फाबेट्स कहीं पे भी नहीं चल रहा है, यानी पहला और दूसरा बेस नहीं चल रहा है यहां पे। तो हम तीसरे बेस पे आ जाते हैं, जो हमने बोला कि यहां पर कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की बात हो रही होगी, तो हम इंक्रीमेंट यहां पर पहले चेक कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंट क्या चेक करेंगे, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है ए, तो यहां पर 1 है, तो हम इसके नंबर्स रख लें आर 18 होता है, आई का कोड 9, एच का कोड 8, ए का 1, एन का 14, टी का 20, ओके, यहां बी का कोड देखिए 2, टी का कोड देखिए 20 होता है, एल का कोड 12, अगेन एल का कोड 12, एफ का कोड 6, टी का कोड 20 एंड ए का कोड 1, ओके। तो हम लोग अब एक चेक कर सकते हैं कि इसी कैसे किस कोडिंग को किया गया होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लें, पहले सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग क्या चेक कर लेंगे, जैसा तो नहीं कहीं 1 by 1 ही कहीं पे कोई कोडिंग चल रही है, 1 by 1 तो नहीं है कोडिंग। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहां पर कि देखिए यहां पर देखा ए और यहां पर बी, यानी कितने का इंक्रीमेंट है प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 1 था इसके बाद यहां पर 2 हो गया, यानी उसको बस प्लस 1 का कोड दिया गया। अब यहां पर देखिए 18 है, यहां पर 20 है, यानी कितना कोड हो रहा है प्लस 2 इंक्रीमेंट में हो रहा है। आगे देखिए यहां पर 9 है, आई का कोड और एल का कोड कितना है 12, तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए अब यहां पर ए मैंने कहा एक सीरीज वे में, यहां पर देखिए प्लस 1 हुआ प्लस 2 हुआ प्लस 3 हुआ, यानी अभी हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आगे प्लस 4 मिलता है तो हमारी कहीं ना कहीं यहां पर सीरीज क्या चल रही है, सीरीज एक वे में ही चल रहा है, तो हम आगे इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो आगे देखिए प्लस 3 देन यहां पर 8 है, यहां 12 है, यानी प्लस 4 का इंक्रीमेंट हुआ। आगे फिर हम लोग मूव करेंगे, चेक करेंगे यहां पर 1 है और यहां पर देखिए 6, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस 5 का, और यहां 14 है, यहां 20 है, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ प्लस 6 का इंक्रीमेंट हुआ, और यहां पर देखिए 20 है और यहां पर 1 है, तो देखिए 20 और प्लस 6 कितना होता है 26, और 26 के बाद अगेन फिर से जो है सीरीज ओपन हो जाती है, यहां पर फिर से ए आ जाता है यानी 1, तो यहां पर कितने का इंक्रीमेंट हो गया प्लस 7 का। तो इंक्रीमेंट यहां पर क्या चल रहा है, एक सीरीज में पहले प्लस 1 हुआ, देन फिर प्लस 2, देन प्लस 3, फिर प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 एंड
प्लस 7, यानी एक सीरीज के वे में चल रहा है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कहीं पर भी कैसे भी कोडिंग उठा के रख दी गई हो। तो हम लोग इस प्रकार से ऑनेस्टी का कोड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए H का कोड अगर आप रखेंगे कि H का कोड 8, O का कोड 15, N का कोड 14, E का 5, S का 19, T का 20 एंड Y का 25। तो आप यहाँ पर प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 कर लीजिए। तो सबसे पहले प्लस 1 करेंगे तो 8 प्लस 1 9 होता है, यानी 9 का कोड कितना होता है I। अब आपको इस तरह से अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी आप कोडिंग रख सकते हैं 9। अगर यहाँ पर देखिए 15 प्लस 2 17, 17 का कोड Q, ओके। N का कोड 14, 14 प्लस 3 यानी 17, फिर से 17 हुआ तो फिर Q आ जाएगा। E मतलब 5 है, 5 प्लस 4 9, तो 9 का कोड I हो गया। S का यहाँ पर 19 है तो 19 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 24। तो 24 किसके लिए कोड होता है, X के लिए होता है। और 20 के बाद फिर प्लस 6 कर दिया तो 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Z। और यहाँ पर 25 है तो 25 प्लस 7 कर देंगे, तो 25 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, आप आगे लिख सकते हैं यहाँ पर 25 इस तरह से ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 7 यानी 32, यानी कितना हो जाएगा 26 प्लस 6 यानी इक्वल टू 32, यानी 6 किसके लिए कोड होता है, F के लिए कोड होता है। तो आंसर इज F, ओके। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप जो है क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आप देखते रहिए कि एक वन बाय वन जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया, या आप ये कह सकते हैं कि एक बेसिक पार्ट जो है इसका, एक कंसेप्ट बोल सकते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग के, कि वन बाय वन जो कंसेप्ट्स हैं वो देख लें। कि पहला कंसेप्ट जो बोलता है, क्या बोल रहा है पहला कंसेप्ट, कि आप जो है पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अल्फाबेट्स चेक करेंगे, सेम अल्फाबेट्स। आपको ऐसा तो नहीं है कि पूरी सीरीज में सेम अल्फाबेट्स एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखे हों, तो बड़े आराम से हो जाएगा। फिर आपको सेम अल्फाबेट्स ही चेक करने हैं, बट देखना है कि कहीं ऐसा नहीं रीअरेंजमेंट किए गए हों किसी अदर वे से, ओके। फिर थर्ड जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका है कि आप कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, तो आप पहले तीसरा देखेंगे कि कहीं इंक्रीमेंट तो नहीं है, तो आप इस इंक्रीमेंट को चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे की, बात की करते हैं कि चौथा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, या मेरी भाषा में आप बोले कि मूल मंत्र क्या है इस चौथे के लिए, तो आप बहुत तेजी से आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे कंसेप्ट की, या मैं बात करूं अपने भाषा में, या मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं कि मूल मंत्र की बात कर लेते हैं कि चौथा मूल मंत्र क्या है। तो चौथा मूल मंत्र याद रखिए कि अब है जो बात होगी वो डिक्रीमेंट की बात होगी, कि कैसे डिक्रीमेंट भी होता है। पहले इंक्रीमेंट, पहले आपने चेक किया पहले कंसेप्ट को, कि जब आपने पहला चेक किया कि अल्फ़ाबेट्स चेक कर रहे थे इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम अल्फ़ाबेट्स थे। सेकंड में आपने चेक किया कि सेम अल्फ़ाबेट्स थे बट अरेंजमेंट था उसमें, कि आपको रीअरेंज करने थे आपको। तीसरा आपने कंसेप्ट देखा कि इंक्रीमेंट था, और चौथा कंसेप्ट अब आप देखने जा रहे हैं कि डिक्रीमेंट की बात हो रही है। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा कि कैसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड फ्लावर्स इज रिटन एज ई के एन वी डी क्यू आर। तो आपको ऐसे लिख रहा होगा कि फ्लावर्स जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसकी कोई मीन निकलता है, और उसको कोड किया गया है ई के एन, ई के एन वी डी क्यू आर, ओके। और आपसे कोड पूछा जा रहा है सुप्रीम, ओके, एस यू पी आर ई एम ई, ओके। तो सुप्रीम का कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो हमने वही बात करी कि जब आप पहले अपने तीनों कंसेप्ट पहले चेक कर लीजिए, तीनों कंसेप्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर आप चौथे कंसेप्ट पे आए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं डिक्रीमेंट का चल रहा हो। तो डिक्रीमेंट चेक करने के लिए फिर वही बात कि आपको कोडिंग याद होनी चाहिए, तो आप कोडिंग पहले देख लें। मैंने कोडिंग पहले रख लेता हूं, यहां पर 6 है, L का 12, O का 15, W का 23, E का 5, R का 18, S का 19, ओके। और E का कोड देखिए यहां पर अगेन 5, K का कोड 11, N का कोड 14, V का कोड 22, D का कोड 4, Q का 17, R का 18, ओके। तो अब आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि डिक्रीमेंट, यहाँ प्लस और माइनस का केस तो नहीं चल रहा, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 था, यहाँ पर 5 हुआ, तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि क्रॉस वे में ही हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ से भी उठा के चेक कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 को उठा के पहले इसके चेक किया गया हो, तो यहाँ पर अभी लेकिन यहाँ पर मैंने चेक किया, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5, यानी कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए 12 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट हुआ है माइनस 1 का, यानी अभी मेरी अभी सीरीज वर्क कर रही है,
पहले यहाँ पर भी माइनस वन हुआ, यहाँ पर भी माइनस हुआ, तो मैं आगे फिर वर्क करूँ, अगर यहाँ पर फिर मुझे माइनस वन मिलता है तो मैं आगे फिर बढ़ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर 14 है, तो फिर माइनस वन की हुआ है। फिर आगे चलिए 23 है, फिर यहाँ पर 22, तो माइनस वन, यहाँ 5, यहाँ 4, माइनस वन, 17, माइनस वन, एस आर, यहाँ पर भी देखिए माइनस वन। ओके, तो देखिए कितना इजी वे हो जाता है, जैसे ही आप नंबर कोड में से चेंज करते हैं कितना इजी हो जाता है, आपको कोडिंग समझने में देर नहीं लगेगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप एस, अब एस का कोड अगर आपको पता है कि 19, यू का कोड 21, पी का कोड 16, आर का कोड 18, ई का 5, एम का कोड 13, ई का कोड 5, तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, सब में माइनस वन करते जाना है। तो 19 माइनस वन 18 होता है, यानी 18 कोड किसके लिए होता है, आर के लिए। 21 है, 21 में माइनस वन करेंगे 20, यानी किसके लिए होता है, टी के लिए होता है। 16 माइनस वन 15, 15 ओ के लिए होता है। ऐसे 18 माइनस वन 17 क्यू के लिए हो गया। 5 माइनस वन 4, यानी किसके लिए हो गया, डी के लिए। 13 माइनस वन 12 किसके लिए हो गया, एल के लिए। 5 माइनस वन 4 किसके लिए हो गया, डी के लिए। तो बड़े आसानी से हम लोग इसको डिकोड कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान रखिए, पहले आपने चेक किया सेम अल्फाबेट, सेकंड में आपने चेक किया सेम अल्फाबेट्स रीअरेंजमेंट में, थर्ड आपने चेक किया इंक्रीमेंट, फोर्थ नंबर आपने चेक किया डिक्रीमेंट कि डिक्रीमेंट तो नहीं हो रहा। अब आपको इसी फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों एक साथ भी वर्क कर सकते हैं। हो सकता हो पहला इंक्रीमेंट किया गया हो, पहला अल्फाबेट, सेकंड वाला जो है वो डिक्रीमेंट कर दिया गया, फिर थर्ड इंक्रीमेंट हुआ, फिर चौथा जो है वो डिक्रीमेंट हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, ओके, इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं, लेकिन ये आपका चौथा, तीसरा और चौथा जो है वो मिक्स है, तो आप इसको देख लेके इस कंसेप्ट को, दोनों को कंसेप्ट को मिला के ही एक इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देख लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ जो कंसेप्ट हैं दोनों को एक साथ मिला के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी देख लेते हैं जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही एक साथ हो रहे हैं उस क्वेश्चन में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इफ म्यूजिकल इज रिटन एज, म्यूजिकल लिखा गया है, एक मीनिंगफुल वर्ड है म्यूजिकल, और उसको रिटर्न किया गया है KWQ KWQ KACJ, ओके, और पूछा गया है आपसे देन हाउ कैन स्प्रिंकल बी रिटर्न, एक वर्ड है स्प्रिंकल, उसका आपसे पूछा गया है, इसको किस तरह से कोड किया करा जाएगा। तो आप देखिए फिर से कि जब कभी आपने पहला आप कंसेप्ट चेक करेंगे कि सेम वर्ड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो सेम अल्फाबेट आप जैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एम है और यहाँ पर हमें पूरे में कहीं पर भी एम नहीं दिख रहा है, तो हमारा सेम अल्फाबेट यानी पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट दोनों फेल हो गए। थर्ड कंसेप्ट पे आ जाइए कि प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट तो नहीं है, थर्ड कंसेप्ट पहले चेक कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट में यहाँ पर देखिए पहले चेक करेंगे एम, तो एम का कोड कितना होता है 13, एल का कोड 21, एस का 19, आई का 9, सी का 3, ए का 1, एल का 12, ओके, और के का कोड यहाँ पर चेक करेंगे तो के का 11, डब्ल्यू का 23, क्यू का 17, के का अगेन चेक करिए तो 11, ए का 1, सी का 3 एंड जे का 10, ओके। तो बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं प्लस और प्लस चल रहा है कि नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम दोनों चीज़ एक साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 है और यहाँ पर 11, तो 13 और 11 कितना यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा थर्ड कंसेप्ट यहाँ पर फेल है, चौथा कंसेप्ट अभी हम पहले पकड़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर माइनस टू हुआ, ठीक। यहाँ पर चेक करिए, देखिए यहाँ पर अब 21 है, यहाँ पर 23 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले डिक्रीमेंट हुआ था, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, प्लस, ठीक है। अब यहाँ माइनस टू है, प्लस टू है, मैंने कहा आप सीरीज अब वर्क करना स्टार्ट करेगी, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आप देखिए अब या तो नेक्स्ट वाला जो कोड होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, तो अगर माइनस में ना वर्क करता है तो मेरी आगे इसी तरह सीरीज में चलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 19 है, यहाँ 17 है, तो देखिए यहाँ पर मिल गया मुझे माइनस मिल रहा है, माइनस टू, तो आगे जो है 110% प्लस टू होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर देखिए प्लस टू मिला, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, फिर माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, प्लस, एंड यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10, तो फिर माइनस। तो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले एक वन पहला जो अल्फाबेट है वो पहले डिक्रीमेंट है, सेकंड वाला जो है वो इंक्रीमेंट है, फिर डिक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट है, तो आप यहाँ पर भी उसी तरह से इसको
कर सकते हैं। तो पहला जैसे कोड यहां पर आप देख रहे होंगे कि एस का कोड है, तो एस का कोड 19 होता है, पी का कोड 16, आर का कोड 18, आई का 9, एन का 14, के का 11, के का 12, ई का 5। ओके, तो देखिए जैसे इसको डिकोड किया गया वैसे हम लोग इसको भी डिकोड कर सकते हैं। तो मैंने इसके नंबर्स रख दिए हैं कि इसके नंबर आप चेक कर सकते हैं कि एस का 19 है, पी का 16, आर का 18, आई का 9, एन का 14, के का 11, एल का 12 और ई का 5। तो इस तरह से आपने इसको हमने इसके नंबर्स रख दिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए अब इसको कैसे करना है। पहले माइनस टू था तो माइनस टू यहाँ पर पहले आप कर लीजिए, 19 माइनस टू यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 16 प्लस टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 फिर माइनस टू है तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस टू है यानी माइनस टू प्लस टू माइनस टू, देन इसके बाद प्लस टू यहाँ पर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, फिर 14, 14 माइनस टू यानी 12 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या है 11, 11 प्लस टू तो 11 प्लस टू यहाँ पर 13 हो जाना चाहिए, तो 12 है, फिर माइनस 10 यानी 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 7, 7। ओके, तो अब आप देखिए अब आप इसके आपको कोड्स रखने हैं, तो आप कोड्स तो रख ही सकते हैं। देखिए 17 कोड किसके लिए होता है, क्यू के लिए, आर पी 11 के के लिए, 12 एल के लिए, 13 एम के लिए, 10 जे के लिए और 7 जी के लिए। तो बड़े आराम से इस कोड को हम लोगों ने यहाँ पर डिकोड कर लिया, बस हमें बस चेक करना है अपने कंसेप्ट को कि कैसे क्या कंसेप्ट होंगे। तो मैंने आपको चार कंसेप्ट बता दिए हैं और एक कंसेप्ट की बात है, अब हम लोग उस कंसेप्ट को भी आगे पढ़ेंगे और आगे नंबर कोडिंग को भी लेके जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।